हे गाइस, तो आज हम देखेंगे 1D एरेज इन सी की वन डायमेंशनल एरेज हैं जो सी में वो कैसे होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये, उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही बेसिक से पढ़ना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की एरेज क्या होती हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल किसे बोलते हैं, टू डायमेंशनल किसे बोलते हैं। आज हम वन डायमेंशनल का देखेंगे, किसी और वीडियो में हम टू डायमेंशनल भी लेंगे, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशन, वो आगे चलती रहेंगी। ठीक है, स्ट्रिंग्स में बेसिकली टू डायमेंशन यूज़ होगा, अगर सिंगल वैल्यू स्ट्रिंग्स हैं तो वन डायमेंशन से भी काम चलाया जा सकता है। आज एक ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 1D एरेज इन सी, ये बेसिकली प्रॉब्लम है हैकर रैंक पे, जो कि बेसिक सी के उनके 24 to 25 प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम ये हमारी हैकर रैंक की, दैट इज 1D एरेज, राइट। सो उसमें है क्या कि एक हमें बेसिकली करना क्या है, मैं अगर आपको इनपुट दिखाऊं कि जैसे ये सैम्पल इनपुट है, जहाँ से यहाँ पे सिक्स वैल्यूज़ हैं, राइट। तो सिक्स वैल्यूज़ ये हमें दी हुई हैं, पहले हमें इसे एरे में इनपुट कराना है, एक एरे बन जाएगा, फिर उसके बाद इसका हमें टोटल सम निकालना है। जैसे 16 प्लस 16 है पहले, फिर 16 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 12। ठीक है, बेसिकली इन वैल्यूज़ को हम सीधा तो सम ऑब्वियसली करा ही सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी उसे एरे में इनपुट कराते जाएंगे, बाद में पूरा जितना भी एरे होगा उसका सम करवा देंगे। ठीक है, तो हमें आउटपुट आ जाएगा 51, तो हमें वो सम आउटपुट करवाना है। जो एडवांस प्रोग्रामर्स हैं या जो इंटरमीडिएट प्रोग्रामर्स हैं या जिनका लेवल थोड़ा सा भी ऊपर है, उनके लिए वेरी नोवाइस प्रॉब्लम है, लेकिन जो बच्चे अभी जस्ट उन्होंने कोडिंग स्टार्ट ही किया, जो बीटेक सेकेंड ईयर में है, नॉर्मल कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर में है, या जिन्होंने पहले +1 +2 में शुरू कर दिया है, उनके लिए ये एक शुरुआती प्रॉब्लम है। तो वो सॉल्व करें तो दे विल लर्न समथिंग अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। तो वन डायमेंशनल एरे में इसमें सीखेंगे, तो लेट्स जंप ऑन टू द प्रॉब्लम एंड देन कोड इट, राइट। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा दूँ कि जैसे मैंने ये कोड सारा इसका लिख रखा है, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे लिखा है, प्रॉब्लम क्या है वो भी समझाऊंगा। अगर हम इसे सबमिट करेंगे तो लेट्स से ऑल द टेस्ट केसेस आर पास्ड, राइट। सो सारे, इसका मतलब हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, राइट। तो लेट्स सी कि अब इसका कोड कैसे करना है और प्रॉब्लम कैसे डिवेलप करनी है। सो गाइज, ये मेरा है, ये है मेरी वैल्यूज और ये है बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा है जीरो इंडेक्स है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स। ठीक है, अभी इंडेक्सेस नहीं है, दीज आर जस्ट वैल्यूज। मान लीजिए ये छह वैल्यूज हैं जो जीरो से शुरू होंगी। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो 1D एरे बनाना है। ठीक है, हमें वन डायमेंशनल एरे बनाना है। वन डायमेंशनल क्या होता है, सिंगल एक लाइन जिसमें मल्टीपल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें ये वैल्यूज जाएंगी 16 13 7 2 1 एंड 12, राइट। तो इसके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4 5। ओके, एक एरे बनाना है डेटा स्ट्रक्चर में। अब एरे कैसे बनता है गाइस, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि कितने वैल्यूज हैं हमारे पास। एक तरह का नंबर है ये 6। ठीक है, कि 6 वैल्यूज होंगी। तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे पहले इंटीजर टाइप का, एन ले लेंगे। ठीक है, इसे डिक्लेयर कर लेंगे, मान लीजिए एन कुछ भी है। अब एन को स्कैन भी तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एन को स्कैन करवा लेंगे स्कैन एफ से। तो अब एन की वैल्यू मैं स्टैंडर्ड इनपुट से ले सकता हूँ, दैट इज 6। अब क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप में क्या करूँगा, और एक एरे भी मुझे पहले बनाना पड़ेगा, जैसे एरे इनिशियल पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। एरे डिफाइन कैसे करेंगे, ये मेरा एक बेसिकली एक एरे है। ठीक है, ये मुझे कितने साइज का चाहिए, एन साइज का। तो अब ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये एक्चुअली इसके बाद आएगा। क्यों, क्योंकि पहले यूज़र से एन की वैल्यू लेंगे, फिर उसके बाद एन हम क्या करेंगे, एन के बेसिस पे कि एरे है जो मेरा वो 6 का डिक्लेयर हो, या जितने भी यूजर डालना चाहे तो एरे ऐसे 6 का डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब एरेज में हमने वैल्यू इनपुट करानी है। अब यहां तक तो हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, हमने एरे भी बना लिया यहां पे। ठीक है, अब एरे में ये वैल्यूज, इन वैल्यूज को इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करना है। मान लीजिए आपने खाली स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, ये खाली स्ट्रक्चर बन गया, ये है मेरा एरे।
सिक्स वैल्यूज का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका इंडेक्स है। अब इसके अंदर ये वैल्यूज डालनी है, जो जो भी ये वैल्यूज हैं, तो वो कैसे डालेंगे, तो मैं एक लूप लूंगा आई जीरो, ठीक है, इंटीजर आप आई यहाँ पे डिक्लेयर करवा लीजिएगा, ठीक है, और आई जीरो ले लिया, फिर उसके बाद आई मस्ट बी लेस देन एन, ठीक है, जीरो से लेके फाइव तक चलेगा, तो एन क्या है मेरा सिक्स है, तो जीरो से लेके फाइव तक बेसिकली वो चलेगा, तो आई इंक्रीमेंट होता रहे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्कैन एफ ही करवाएंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एन एफ, ठीक है, परसेंटेज डी, ठीक है, ये इंटीजर वैल्यूज को स्कैनिंग करने के लिए होता है। एंड देन व्हाट वी विल बी डूइंग, स्कैन एफ किसके अंदर करना है हमें, ए आर आर के अंदर, ए आर आर के कौन से इंडेक्स के अंदर करना है, आई के अंदर। कैसे, आई क्या हो जाएगा, पहले जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, फिर फाइव होगा, फिर उसके बाद ये लूप की ये कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगी और ये इंक्रीमेंट चलता रहेगा बेसिकली, ठीक है, तो इंक्रीमेंट चलता रहेगा जब तक कंडीशन मतलब हमारी ओवर नहीं हो जाती। और जब स्कैन ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यूज आती जाएंगी स्टैंडर्ड इनपुट से जो यूजर ने दी हैं, ये सारी वैल्यूज इस स्ट्रक्चर में चली जाएंगी और ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। अब हमने ये वैल्यूज ले ली, और 1D एरेज इन C क्या कहता था कि हमें सम करवाना है, किनका सम करवाना है, जो ये वैल्यूज एरे के अंदर पड़ी हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ इनपुट लिया है, ये सारा मेरा इनपुट था, अभी सम कैसे करवाएंगे, तो एक और लूप ले लेते हैं, ठीक है, एक और लूप लेंगे जिसमें मान लीजिए जे ले लिया मैंने, इंट जे डिक्लेयर कर लेना, ठीक है, तो अब जे इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन एन और जे प्लस प्लस, ठीक है, और इस लूप के अंदर क्या चलाएंगे, सम इक्वल्स टू, सम की वैल्यू यहाँ पे जीरो ले लेना, इंट सम ले लेना एक, ठीक है, तो सम इक्वल टू सम प्लस क्या आ जाएगा, ए आर आर ऑफ जे, तो यहाँ पे ये मेरा आ गया, और यहाँ पे रिटर्न क्या कर देना, यहाँ पे रिटर्न कर देना फंक्शन सम, ठीक है, तो रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिटर्न। अब ये क्या करेगा, पहले सम क्या था मेरा, जीरो था, फिर ए आर आर ऑफ जीरो इसमें ऐड कर दिया क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई, ए आर आर ऑफ जीरो क्या था मेरा 16, तो इसमें 16 प्लस हो जाएगा। फिर अब ये दोनों वैल्यू जब जुड़ गई तो किसमें डाल दी, सम में, अब सम की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है, अब उसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 1, अब 1 में क्या पड़ा है 13, तो 16 प्लस 13, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी वैसे ही 2, तो 2 पे क्या पड़ा है 7, ठीक है, ऐसे करते करते अब जे की वैल्यू होगी 5, 2, 3, 4 के बाद 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी है 12, तो ये जब सारे जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 51, और ये 51 कहाँ चला जाएगा, फाइनली इस सम के अंदर, और फाइनली ये कंडीशन मेरी हो जाएगी, जे अब क्या है, जे है 5 और ये क्या था 6, और जैसे ही जे 6 होगा ये इसे इंक्रीमेंट करेगा, जे 5 को 6 करेगा, ठीक है, जे प्लस प्लस, तो वो लेस देन 6 तो रहा नहीं, तो कंडीशन हो गई फेल, ठीक है, और हम आगे लूप से बाहर, तो सम रिटर्न कर दिया, सम की वैल्यू कितनी थी 51, राइट। सो ऐसे हमने ये कोड लिखा, कोड में आपको कोड का बेसिकली जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, और आपको मैंने करवा पहले दिखा दिया था कि सारे टेस्ट केसेस से पास हो गए हैं, और ये बेसिकली हमारा कोड है, और इसका जो गिटहब का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कॉपी मत कीजिएगा, हर वीडियो में बताता हूँ।